क्लास 11th। आज हम लोग का जो टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास में बताया गया था, क्या फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन ये क्लास 12th में भी है, 11th में भी है, लेकिन क्लास 12th का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। क्लास 11th में हम लोग का जो पैटर्न है वो तीन तरीके के पैटर्न के बारे में बात करी जाती है, जिसमें ये टाइप फर्स्ट है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट द पॉइंट, यानी एक फंक्शन हम लोग को गिवन है और उसके बाद देन उसकी वैल्यू के बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें कोई स्पेशल लॉजिक तो है नहीं, बस एफएक्स हम लोग को पता रहेगा और उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है ये हमें दे दिया जाएगा और उसको नॉर्मल सिंप्लीफाई कर देंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमने दो क्वेश्चन ये लिख रखे हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मेन फंक्शनल इक्वेशन क्लास 12th में आएगी। अभी हम लोग को जिस तरीके के क्वेश्चन की जरूरत रहती है और जिन तरीके के क्वेश्चन को क्लास 11th के क्वेश्चंस में आईआईटी के क्वेश्चन मिक्स किए जाते हैं, उसी तरीके के फंक्शनल इक्वेशन के बारे में अभी हम लोग सिर्फ काम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन है, यहाँ पर एफएक्स इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब मुझे f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दूंगा। तो 2 tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4, x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दिए। अब नॉर्मल इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, tan पाई बाई 4 यानी 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 1। ये था हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन यहां पे सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। तो यहां पर हम लोग को इस बार क्वेश्चन ने बताया है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये हम लोग को गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या एक्सप्रेशन है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला लिखा है तो इसमें एक्स रिप्लेस हो गया एक्स इंटू वाई से, सेकेंड वाला जो रिप्लेस हुआ उसमें एक्स बाई वाई से रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पर, और थर्ड लास्ट इसमें एफ एक्स वो तो वैसे ही रहेगा, फिर एफ वाई यानी एक्स रिप्लेस हो जाएगा किसे, वाई से। तो कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई प्लस cos of log x by y minus 2 cos of log x into cos of log y, और अब ये क्या जाएगा cos of इसको log m into n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो log x plus log y plus cos of log x minus log y माइनस टू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई, और फिर नॉर्मल। अब ये हमारा कैसा वर्कआउट हो जाएगा, ये जो है ये ए बन जाएगा, ये बी, ये भी ए और ये बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, और इसमें क्या जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, ये ऊपर हम रब कर दे रहे हैं। तो ये इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस cos a cos b plus sin a sin b, ये हो जाएगा, और minus 2 cos of log x cos of log y, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में ऐड होंगे, इससे ऐड होंगे, तो फाइनल ये रिजल्ट भी एक दूसरे से मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन।
अब इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, देन इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग ये ऑप्शन। यहाँ पे जो वैल्यू है ये एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक्स के प्लेस पे क्या गया, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो इक्वल टू लॉग वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। और अब ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और अब इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम लोग एक साथ कर लेंगे, तो इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर, और देन फिर लॉग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, और फिर हम देख रहे हैं यही वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की है, तो ये टू एफ एक्स, तो यानी कि इस पूरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। और दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर अब डालते हैं फोर्थ, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिफ्थ। तो दो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ लिखो, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ और ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पहले सॉल्यूशन फोर्थ, यहां पर हम लोग को जो गिवन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस ब्रैकेट में एफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू हम लोग को नोन है वो सारी वैल्यू इसमें पुट हो जाएंगी, तो एफ एक्स की जगह वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू, अब एक्स रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या आएगा, वन माइनस एक्स, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स अपॉन, फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये वन माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स होल ऑफ स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो इससे क्या होगा कि ये टर्म इससे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अब हम लोग के पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अब हम लोग के पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कैंसिल कर दी जाएगी,
ये से कैंसिल हो जाएगा और अब हम लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो इसके आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस एक्स ये यहाँ से अब इस स्टेप में कैंसिल कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, यानी इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब ये स्क्वायर ब्रैकेट कोई मेंशन करेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तभी माना जाएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल ब्रैकेट ही यूज होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा इसके आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग, यहीं पे रोक लीजिएगा वीडियो, फिर नोट कर लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन ने पहले मेंशन कर दिया दिस ब्रैकेट इन नोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहां पे क्या होगा पाई स्क्वायर, यानी पाई मीन्स 3.14 और 3 समथिंग का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना रहेगा 9 समथिंग, और ये वैल्यू जैसे 9 समथिंग आएगी तो यहां से ये जो रिजल्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा 9x प्लस, और यहां पे माइनस 9 समथिंग आया तो माइनस 9 समथिंग, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस 10x। और फिर चूंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है तो अगले स्टेप में जो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कॉस 9x प्लस कॉस 10x। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो 1/1 इसमें देखो x के प्लेस पे एक बार पाई बाई 2 पुट किया गया, एक बार पाई, एक बार माइनस पाई, एक बार पाई बाई 4। तो हम लोग ये वैल्यू कैसे चेक करेंगे 1/1 ऑप्शन से। तो देखते हैं पहले ए ऑप्शन, तो x के प्लेस पे क्या आ गया पाई बाई 2, तो cos 9 पाई बाई 2 प्लस cos 10 पाई बाई 2, तो ये 5 आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, और cos 5 पाई इसकी वैल्यू क्या, तो cos n पाई इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n, तो n के प्लेस पे जैसे ही 5 पुट करोगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1। तो यानी कि इसका जो रिजल्ट है ए ऑप्शन क्या है सही है। अब हम लोग आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, ये हमने बोला था अभी कि cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बी, अब x की जगह पाई, तो ये क्या आ जाएगा cos 9 पाई प्लस cos 10 पाई, और फिर यहां पर अब 9 पाई 10 पाई, तो यहां से फिर इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं हम लोग, तो 9 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, 10 पाई की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो यानी यहां पर cos पाई f ऑफ पाई का वैल्यू 1 दिया गया जबकि रिजल्ट क्या आ रहा है 0, यानी बी ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन जो दिया गया है हम लोग को f ऑफ माइनस पाई, तो अब फिर x के प्लेस पे माइनस पाई पुट करेंगे तो इक्वल टू कॉस 9 माइनस पाई प्लस कॉस 10 माइनस पाई, और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है तो अल्टीमेटली कॉस 9 पाई होगा और ये कॉस 10 पाई, तो इसका रिजल्ट अभी हम लोगों ने देखा कितना है 0 आया, तो ये रिजल्ट 0, हाँ यस, तो ये रिजल्ट क्या है ट्रू है। अब उसके बाद डी ऐसे चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर अब x के प्लेस पे क्या आ गया पाई बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा cos 9 पाई बाई 4 प्लस cos 10 पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा 9 पाई बाई 4 और ये आ जाएगा cos 5 पाई बाई 2। तो यहां से देख रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या लिखोगे यहां पर, तो ये cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4 और 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है वो cos थीटा ही होता है, यानी कि cos पाई बाई 4 और 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फाइनली कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए और सी।
तो ये थी हम लोग की टाइपफस, जिसमें फंक्शन में वैल्यू को पुट कर देना है और उसके बाद हमारा उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो होता है वो टाइप सेकेंड में हम लोग फंक्शन को कंपोजिट करते हैं। कंपोजिट का मतलब क्या कि फंक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये देखना है। और फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है हमारा। तो दो तरीके, कंपोजिट फंक्शन रहता है और कंपोजिट फंक्शन भी 12th में, लेकिन हम लोग को अभी सिर्फ 11th के पैटर्न पे देखना है, इसलिए 11th क्लास वाला ही हम सिस्टम बता रहे हैं। उसमें ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, वो 12th वाले लेक्चर्स में जो वीडियो हैं उनमें है। ठीक है, तो देखते हैं, डालते हैं हेडिंग टाइप सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन ये सेकेंड। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग जब नॉर्मली फंक्शन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या कंपोजिट में, मतलब जैसे इस तरीके से लिखा एफ ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके के फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि फंक्शन की डोमेन सेम है कि नहीं। अगर डोमेन डिफरेंट है तो फिर हम लोग उनको कंपोजिट नहीं कर सकते। लेकिन 11th में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे रियल फंक्शन है और ये माना जाता है कि दोनों फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल टू रियल वेरी कर रही हैं। तो चूंकि वो रियल टू रियल वेरी कर रही, तो इसलिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल जो हमसे कहा गया है वो हम लोगों को कर देना है। अब जैसे यहाँ पर हमें एफ अपॉन जी निकालना है, तो इसका एफ ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ एक्स, जी मतलब जी ऑफ एक्स, तो ये एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे सीधे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये लिख दी गई वैल्यू। बस ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। तो यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर आ गया वो सी आ गया। तो ये केवल हमें बस उनके प्लेस पे उनकी वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। अब जैसे इसके बाद सॉल्यूशन सेकंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो बात अभी हमने बताई कि कंपोजिट फंक्शन, अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी, इसको फॉग नहीं पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ये हो गया। तो अब यहाँ पे जी एक्स के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे जी एक्स के प्लेस पे साइन एक्स पुट कर दूंगा। और अब एफ एक्स की वैल्यू बताइए कि एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी एक्स के प्लेस पे अब क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। तो इसका मतलब साइन एक्स होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। और अब अगर मान लो हमें जी ऑफ एफ निकालना है, तो जी ऑफ एफ की वैल्यू जो होगी वो जी ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया। और अब यहाँ एक्स, एक्स की जगह एक्स क्या है, साइन एक्स, तो यानी एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना है। और यही चीज़ अगर हमारी क्लास 12th में होती तो हम पहले ये देखते हैं इन दोनों की डोमेन आपस में डिफाइन हो रही कि नहीं हो रही है। 11th में नॉर्मल यही देख लेना। और एक बात तैयार रखनी है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ कभी इक्वल नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड के सॉल्यूशन पे। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाई एन और ए ग्रेटर देन जीरो। तो क्या निकालना, एफ ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाई एन। अब क्या हुआ, ये एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू आ गई, तो जहाँ अब इसमें एक्स उसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए माइनस, अब एक्स के प्लेस पे क्या देगा, ए माइनस एक्स टू द पावर एन होल टू द पावर वन बाई एन और ये टोटल पे ये एन और फिर टोटल ब्रैकेट पे पावर जो है वो क्या है, वन बाई एन। तो यहाँ से क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, ये आ गया। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स टू द पावर एन और होल टू द पावर वन बाई एन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, एक्स, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थी हम लोग के टाइप सेकंड यानी कंपोजिट फंक्शन। और फिर इसके बाद टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में क्या है, कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उनको हम लोग को देखना है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग की क्लास 11 में यूज होती रहती हैं, तो इसलिए उनको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप थर्ड, तो देखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है थर्ड वो क्या है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स।
तो जहां कहीं भी ऐसा होगा तो वहां पे एफ एक्स की वैल्यू क्या, कि एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अब इसमें प्लस रखना है कि माइनस रखना है, ये हमेशा कौन डिसाइड करके देगा, ये क्वेश्चन करके देगा, इसे अपने आप डिसाइड नहीं कोई कर पाएगा, इसे क्वेश्चन में जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है और ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड है। तो सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो यहां पर जैसे ही हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन में कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो तुरंत हम लोग के दिमाग में बात आ जाएगी एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अब हमारी रिक्वायरमेंट का एफ ऑफ फोर, ये वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी उसमें पुट कर दी जाएगी, और एफ ऑफ फोर का वैल्यू कितना है 65 इक्वल टू प्लस माइनस फोर टू द पावर एन प्लस वन, तो ये 64 हो गया प्लस माइनस फोर टू द पावर एन। तो यहां से जो आ जाएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 4 टू द पावर 4, कितना हो गया, फोर टू द पावर 3, तो इक्वल टू प्लस माइनस फोर टू द पावर एन। अब यहां पे सोचो कि ये कब कंपेयर हो पाएगा, ये तभी कंपेयर हो पाएगा जब दोनों साइड साइन कैसा हो, प्लस का, क्योंकि बेस इक्वल तो पावर इक्वेट होंगी, तो इसलिए साइन जो है हम लोग का डिफाइन हो गया कैसा, प्लस। और अब जब बेस ये डिफाइन साइन डिफाइन हो गया तो पावर कंपेयर करी जा सकती है, तो यानी कि एन का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन डिसाइड हुआ प्लस और एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी, एफ ऑफ 3, तो हमने एक्स के प्लेस पे 3 रख दिया, तो 3 टू द पावर 4 प्लस 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो अपने आप करेंगे, ये हमने माइनस के साथ लिख दिया है तो वो वहाँ पर डिफाइन करेगा कि भाई इस बार जब माइनस होगा तो माइनस के साथ कंपेरिजन हो पाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अपने आप सॉल्व करेंगे इसके आगे। फिर अब हम लोग डालते हैं टाइप फोर्थ, ये एक लास्ट फॉर्मेट और है कि हाँ भाई कुछ इस तरीके की चीज़ें आ गई, ये चीज़ जो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा कोऑर्डिनेट के साथ इस तरीके के क्वेश्चन मिक्सअप किए जा सकते हैं, इसलिए हम इसको जान रहे हैं यहाँ पर, बहुत छोटा सा बेसिक सा पॉइंट है। उसके बाद फिर ये फंक्शनल इक्वेशन का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, देन जाके अब हमारी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हुई। बेसिक मैथमेटिक्स जब भी कोई बोलेगा तो हमें ध्यान रखना है क्या क्या, इनइक्वालिटी, मॉड, मॉड इक्वलिटी सॉल्व करना, मॉड इनइक्वलिटी सॉल्व करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सेम वही चीज़, इक्वलिटी इनइक्वलिटी ग्राफ, सिग्नम ग्राफ, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, फ्रैक्शन, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, और फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, और उसके बाद लॉग ग्राफ, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, और इन सबके ग्राफ, इनको हमें मेमोराइज करना है, और लास्ट कि अगर हमें इनमें डोमेन कोई बोलता है तो कैसे काम करना है, रेंज बोलता है तो कैसे काम करना है, और साथ में ये हमारा फंक्शनल इक्वेशन, ये इतना जाके काम हमेशा पड़ेगा। अब इसमें से जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं कौन से, डोमेन, रेंज, फंक्शनल इक्वेशन, इसका जो है एक्सपेंशन और भी ज़्यादा होता है, एक्सपेंशन भी नहीं बोलेंगे बल्कि एक्सटेंशन बोलेंगे, क्योंकि इतना तो फिक्स ही है, इसके अलावा जो है हमें और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो वो जो एक्सटेंशन है वो हमारा जो है हम लोग को मिलता है क्लास 12th के, तो वो क्लास 12th के लेक्चर्स में हम लोग देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट लास्ट टाइप फोर्थ देखते हैं। तो टाइप फोर्थ में ये हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है, इनमें बस हम तुमको आइडिया देंगे और उस आइडिया के बिहाफ पे काम करना है। अभी हम लोग सिर्फ एक दो पैटर्न के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, बाकी जो है फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर जो आइडियाज़ हैं वो हम लोग को 12th में देखने को मिलते हैं। तो अभी जिसके ऊपर हमें आइडिया ध्यान रखना है वो ये हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस टू
एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। अब हमारा एम क्या है, एफ एक्स निकालना। तो हमको करना क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन में सोचना ये होता है कि क्या करें कि एफ एक्स बच जाए और अदर टर्म क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो उसका एक नॉर्मल आइडिया ये होता है कि अगर दो एफ वाले फंक्शन है तो उसमें देखो एक x होगा और दूसरा दूसरा फॉर्मेट होगा, तो हमेशा x को उसी से रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे? x को रिप्लेस कर देंगे जो दूसरा पैटर्न लिखा होगा, यानी x रिप्लेस हो गया किससे, 1 माइनस x से। तो यहाँ 1 बाई एक्स प्लस टू, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, और इक्वल टू ये क्या हो गया 3 बाई एक्स। अब ये देखना होगा कि इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करें कि एफ एक्स बच जाए। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ टू है एफ ऑफ वन बाई एक्स है, यहाँ एफ ऑफ वन बाई एक्स है, तो इसका मतलब इसमें हमें टू से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दी, और टू से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये क्या हो गया सिक्स बाई एक्स, और ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। और इन दोनों को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, और जैसे कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से सिंप्लीफाई होगा, तो माइनस थ्री एफ एक्स और इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स बाई एक्स। अब माइनस थ्री से डिवाइड कर लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू बाई एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू टू बाई एक्स माइनस एक्स, तो टू बाई एक्स माइनस एक्स, यानी कि इसका बी आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर सेकेंड में क्या है कि एफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वेशन फर्स्ट। और अभी हमने एक आइडिया दिया था कि x को छोड़कर दूसरा जो पैटर्न लिखा हुआ है उसी से x को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो यानी x रिप्लेस बाय 1 माइनस x, तो f ऑफ 1 माइनस x प्लस टू 1 माइनस x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ 1 माइनस x प्लस टू f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस टू। और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमें सोचना क्या करें कि सिर्फ एफ एक्स बचे, तो यहाँ 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 4 एफ एक्स इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इक्वेशन सेकेंड। और उसके बाद इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये इससे जो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू वन माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर माइनस फोर। तो माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर। तो माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। और अब ये से सिंप्लीफाई होगा, माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। और अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉमन ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फाइनली एफ एक्स जो बचेगा वो क्या होगा एक्स माइनस टू होल ऑफ स्क्वायर बाई थ्री। तो एक्स माइनस टू होल ऑफ स्क्वायर बाई थ्री, यानी इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से अब जाके हम लोग का फंक्शनल इक्वेशन का पूरा काम कंप्लीट हुआ, और ये क्लास 11th की बेसिक मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, तो नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास से। ओके बेटा, थैंक यू।